तो यार ये चश्मा थोड़ा दिक्कत कर रहा है मुझे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जा रहा हूँ बनाने दोस्तों एक हीटर बनाऊंगा, जो कि खाना बनाने वाला हीटर रहेगा। उसमें आप हाथ भी सेक सकते हैं और खाना भी बना सकते हैं, टू इन वन रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलिए हम चलते हैं बनाने दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ कैमरा मैन थोड़ा नीचे करिए भैया, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं कुछ मार्केट से लाया हूँ, लोहा लाया हूँ, और ये जहाँ से मैं खरीदा है ये 4.5 इंची का है पीस है पीस। तो ये मुझे, ये देख सकते हैं दोस्तों, करीब 4.5 इंची का है ये। तो ये काट के रखा था, मतलब काट के रखा था ये, तो मैं मुझे उठा के दे दिया, तो मुझे काटना नहीं पड़ेगा ये दोस्तों। ये पहले से कटा हुआ था और ये पीस है लोहे की पत्ती, और इसको हम बनाएंगे। और यहाँ पे ये दोस्तों, ये हीटर का जो है जिसमें कॉयल पूरा लगा रहता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके है, इसमें नैक्रोन वायर लगता है। तो ये प्लेट जो है 20 रुपये का मुझे मिला है और ये 10 रुपये का मिलता है दोस्तों। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं लगा गया दोस्तों। यहाँ पे ये 100 रुपये की पूरी वही आई है, 10 रुपये का ये आया है, 20 रुपये का ये। तो आपको बताओ दोस्तों कमेंट में कितना रुपया हुआ है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पे ये नाइक्रोन वायर है दोस्तों, तो ये नाइक्रोन वायर आपको 30 रुपये में आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं, बनाते हैं इसको, काटते पीटते हैं, तो इसको सेटिंग करना चाहिए। चलिए यहाँ पे दोस्तों राइट एंगल का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही एकदम सीधा सीधा मार्किंग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये ऊपर, ये नीचे हो जा रहा है, यहाँ पे ये ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे मार्किंग करना है दोस्तों, ये है 1 इंची, 1 इंची यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे, 1 इंची यहाँ से मार्किंग करके। इसको हम कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रेम मैं तैयार कर दिया हूँ, और इसके नीचे साइड का भी देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से बनाना है आपको।
और यहाँ पे एक सीट लगा दिया हूँ। तो हम इसमें लगाएंगे चिकनी मिट्टी वाला ये पत्थर, इसको पत्थर बोलते हैं। यहाँ पे दो होल मारा हूँ, तो इसको हमें इस तरह से आपको टाइट करना है दोस्तों, ये कुछ इस तरह से टाइट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मुझे यहाँ पे दोस्तों स्विच लगाना है,
एक्शन। तो दोस्तों इसको बना के पूरा कंप्लीट कर दिया है, वायरिंग आपको समझ में आ गया होगा। कनेक्शन बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। और यहाँ पे ये जो स्विच लगा है इसमें तीन सिस्टम दिया है, लेकिन मेरा ये तीन पे ही काम करेगा क्योंकि ये चलता है न्यूट्रल फेस से खाली चलता है। तो ये जो स्विच मैं लगाया हूँ ये दो 1000 वाट और 2000 वाट का स्विच है। ये हीटर में भी लगता है दोस्तों। और बाकी जब इसको तीन पे करेंगे तो ये रेड कलर की बत्ती बरेगी और ये हरी कलर की जो बत्ती है ये हम जब ये कड़क को लगाएंगे तो ये बत्ती जलेगी। तो और बाकी मैंने सब कंप्लीट कर दिया दोस्तों। ऐसा लग रहा है दोस्तों मैं इसको मार्केट से खरीद के लेके आ रहा हूँ, देख सकते हैं मार्केट में भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं दोस्तों, प्लग से मैं लगाते हैं इसको। यहाँ पे 20 एम्पीयर का लगा है, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मैं जैसे ही स्विच को टिपूंगा तो यहाँ पे ये लाइट चलने लगेगी। ये मैं थोड़ा इसको ऑन किया हूँ, इसको कर देंगे तो ये बंद हो गया जाएगा। जब हम हीटर का ही चालू करेंगे तब ये ऑन होगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए आपको शायद दिख रहा होगा, तो ऊपर की साइड को देखते हैं दोस्तों। एक बार मैं स्टूडियो की लाइट बंद करके दिखाता हूँ दोस्तों। देवार देवार आपसी माल। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों ये प्रोजेक्ट मेरा आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।